आईफोन यूजर हो और आपको पता नहीं कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश आपको ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। इससे आपकी आईफोन की जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो सकती है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की सेटिंग आपको मिल जाती है आपके आईफोन के सेटिंग्स के अंदर जनरल में, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इसको यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो या सिर्फ वाईफाई पे रख सकते हो, वाईफाई और मोबाइल डेटा पे रख सकते हो। इसको ऑफ रखना चाहिए ऑन रखना चाहिए, इसको समझने के पहले ये क्या करता है वो समझ लीजिए। तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ये करता है कि जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर निकल के कोई और एप्लीकेशन यूज करना चाहता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम जो है सस्पेंडेड मोड में चला जाता है, यानी कि वो अपने आप को रिफ्रेश नहीं करता, डेटा फैच नहीं करता, बैटरी का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम के लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन रखूँ तो बैकग्राउंड में भी वो रिफ्रेश होता रहेगा, और जब भी मैं उसको खोलूँ तो वो मुझे रिफ्रेश स्टेट में मिल जाएगा। इससे मेरी मल्टीटास्किंग की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाएगी। तो दोस्तों बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ रखना चाहिए ऑन रखना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको ऑन तो रखना चाहिए, लेकिन जो भी एप्लीकेशंस आपके ज्यादा काम के नहीं है उसके लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर दीजिए। मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन रखता हूँ, वो है व्हाट्सएप। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।